खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। पुष्कर के निकटवर्ती गांव देवनगर में गुरुवार को डीपी की चपेट में आकर दो गायों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने पुष्कर डिस्कॉम के सहायक अभियंता का घेराव कर जमकर खरी खोटी सुनाई। मामला बिगड़ता देख पुष्कर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मुआवजे की मांग पर सहायक अभियंता की ओर से लिखित सहमति के बाद मामला शांत हुआ। देवनगर गांव में लंबे समय से ग्रामीण खतरे का पर्याय बन डीपी को हटाने की मांग कर रहे थे। गुरुवार सुबह डीपी के करंट की चपेट में आकर पहले एक गाय ने दम तोड़ा, उसके बाद ग्रामीणों की सूचना के बाद गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे एक और गाय करंट की चपेट में आकर मर गई। इससे ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देवसेना के विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि सूचना देने के बाद भी विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, तब मौके पर पुलिस को बुलाया गया। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि यदि पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा नहीं मिला तो पुष्कर डिस्कॉम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन मौके पर पहुंचे। जादौन ने ग्रामीणों को लिखित में भरोसा दिलाया कि 7 दिन के भीतर नियमानुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसमें सर वैसे तो अपन ने ये मौके पर आके देखा तो यहाँ जम्पर तो है नहीं इसमें, पर कोई इंसुलेटर पंक्चर होने की वजह से डीपी में करंट प्रवाहित हुआ है, तो अभी मौके से अपने लेबर को बोल दिया है अभी इसको शिफ्ट करा देंगे ऊपर की साइड, अभी आज ही तुरंत निगम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, 7 दिन के अंदर होगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।